राजधानी लखनऊ में त्याग और बलिदान का त्यौहार ईद उल अजहा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर ऐशबाग ईदगाह में हजारों की संख्या में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद की विशेष नमाज अता की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी ईदगाह पहुंचकर लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। बता दें कि बकरीद की विशेष नमाज के लिए ईदगाह में खास इंतजाम किए गए थे। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसके लिए पुलिस और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहा। बता दें कि ईद उल फितर के बाद ईद उल अजहा यानी बकरीद मुस्लिम त्योहारों में से एक है। इस दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुस्लिम समुदाय जानवरों की कुर्बानी देते हैं। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर हजरत इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह की इबादत के बाद उन्हें एक औलाद की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि एक दिन खुदा ने हजरत इब्राहिम के सपने में आकर उन्हें सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने की बात कही थी। हजरत साहब को अपना बेटा ही सबसे प्यारा था, इसलिए बेटे की ही कुर्बानी देने का उन्होंने फैसला किया। कहा जाता है कि कुर्बानी देते वक्त साहब की भावनाएं आड़े ना आए, इसलिए उन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली थी। पट्टी खोलने के बाद हजरत इब्राहिम ने देखा कि उनका बेटा सामने खड़ा था और बलि की वेदी पर एक दुम्बा था। इसी घटना के बाद मुसलमानों में चौपाया जानवर की कुर्बानी का चलन शुरू हो गया। लखनऊ से जनमत न्यूज़ के लिए अमिताभ चौबे की रिपोर्ट।